गुस्से को काबू करने के लिए पांच गोल्डन रूल, ये मैं आज बोलने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गुस्सा हम सभी को आता है, कोई बचा नहीं है। और छोटी बात के ऊपर गुस्सा आता है, अपसेट हो जाते हैं। और हर व्यक्ति को गुस्सा अपने काबू में रखने की इच्छा है कि गुस्सा काबू में रखना चाहिए। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता ऐसा बोलते हैं, गुस्सा आ जाता है ऐसा बोलते हैं। तो गुस्सा आता है या गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है वो आपकी चाहत है, तो ये पांच गोल्डन रूल आपने फॉलो करना है। तो नंबर एक क्या है, पहला रूल ये है कि आपका रेस्पॉन्स जो है कोई भी चीज़ का, वो रेस्पॉन्स डिले करो। क्या होता है कि हम तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं तो वो रेस्पॉन्स दिया तो वो इमोशनली ज़्यादा होता है, रिएक्टिव रेस्पॉन्स ज़्यादा होता है। जब हम तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है, जब हम थोड़ी देर के बाद रेस्पॉन्स देते हैं तो लेफ्ट ब्रेन काम करता है। राइट ब्रेन जब काम करता है तो इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ ऐसा, वो राइट ब्रेन से आती है। और लेफ्ट ब्रेन से लॉजिकल थिंकिंग, तो फिर और वो आराम से जब हम देते हैं रेस्पॉन्स तो लेफ्ट ब्रेन से आएगा। तो फिर हमने क्या करना है कि भाई कुछ भी अपने मन के खिलाफ हो गया तो उसको तुरंत रेस्पॉन्ड न करते हुए, जैसा पहले जमाने में बोलते थे, हाँ दो गिलास पानी पियो, एक गिलास पानी पियो, 100 तक आंकड़े गिनो, वो इसी के लिए कि तुरंत रेस्पॉन्स मत दो। तो फिर वो यदि हम करते हैं कि तुरंत रेस्पॉन्स देना टाइम से देना, तो फिर टाइम से दिया हुआ रेस्पॉन्स इमोशनल नहीं रहेगा, गुस्से वाला नहीं रहेगा, और फिर उससे संबंध खराब नहीं होंगे, ये बड़ी बात है। नंबर दो का जो है तरीका वो ये है कि एंटिसिपेट करो कि कुछ तो भी प्रॉब्लम आने वाला है, या कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो उसको एंटिसिपेट करो। यदि आप एंटिसिपेट करते कि कोई प्रॉब्लम आएगा और वहाँ खड़े रह के कोई एक्शन लेते तो गुस्सा नहीं आए, कि आपको मालूम है कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है। तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है यदि आपने एंटिसिपेट किया, उसको अंदाज लिया और वहाँ से खड़े रह के फिर कुछ एक्शंस तैयार किए कि ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये करना है, ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये प्रॉब्लम आया तो ये करना है, तो गुस्सा आएगा नहीं। तीसरा कि भाई अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऐसा है कि आपस में समझो पति पत्नी है, अनबन होती है, कुछ तो भी झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा रिजॉल्व नहीं होता, पूरा नहीं करते, फिर वैसे सो जाते हैं, बातचीत नहीं करेंगे, और फिर 12 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में फिर छोटी अखाटी बात हो जाती है या उसके जैसी बात हो जाती है, फिर से गुस्सा चालू हो जाता है। इतना थोड़ा सा हम बोलते इतना छोटा रीज़न था और इतना बड़ा गुस्सा आ गया, एक्चुअली वो गुस्सा इतने छोटे कारण में आया नहीं है, वो पिछला जो था अनरिजॉल्व वो फिर से उभर के आया हुआ है। तो कभी भी पति पत्नी ने या किसी के साथ में भी अनरिजॉल्व मत रखना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, जो भी आपको मन को बोलने का है बोल देने का है। आपको इसको ऐसा बोलना है मुझे समझा नहीं आप क्या बोल रहे थे, या मैं बोल रहा हूँ आपको समझा नहीं है आप समझ लो, तो वो कम्युनिकेशन जो है संवाद वो चालू रखना है। चालू रख के ही वो रिजॉल्व हो सकता है, बंद करके होता नहीं है। चौथा है कि अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन, मतलब अपेक्षा भंग हो जाना। क्या होता है कि हमारी कोई अपेक्षा रहती कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे थिंकिंग के मुताबिक होगा, और वैसा होता नहीं है, अपेक्षा भंग हो जाता है, और अपेक्षा भंग हो गया तो फिर गुस्सा आता है। तो वो पहले यदि आप देखते कि भाई अपनी अपेक्षा ही नहीं है, ठीक है जो हो गया क्या प्रॉब्लम है, और उसको यदि एक्नॉलेज करते कि मेरा अपेक्षा भंग हुआ है, मैंने अपेक्षा रखी थी, और मैंने अपेक्षा रखना कोई गलत नहीं है, मगर अपेक्षा पूर्ति नहीं होंगी ये दिमाग में रखना सही है। पांचवा है कि थ्वार्टेड इंटेंशन, इसका मतलब ऐसा है कि जो मेरा उद्देश्य पूर्ति थी उसको काट दिया गया, मुझे जो आउटकम चाहिए था, मुझे जो रिजल्ट चाहिए था उसको काट दिया गया, वो पूरा हुआ नहीं। तो जब मेरा उद्देश्य पूर्ति हुआ नहीं, नेचुरली फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं अपसेट हो जाता हूँ, और फिर उद्देश्य पूर्ति होना चाहिए करके मैं झंझट झगड़े कुछ ना कुछ करूँगा ताकि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होऊंगा। तो ये पाँच गोल्डन रूल है, और ये गोल्डन रूल जो है, ये पाँच तरीके हैं, ये अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका गुस्सा कम हो जाएगा, गुस्से पर काबू आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।